हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ संख्या 10, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा गीता वचन अमृतानी, जो कि हमारी कक्षा 8 का एक चैप्टर है। तो इससे पहले मैंने आपको संस्कृत के कुछ और लेसन प्लान भी प्रोवाइड करा दिए हैं, साथ ही साथ मैंने आपके साथ कुछ असाइनमेंट फाइल्स भी शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिनांक, दिनांक के बाद हम लिखेंगे अपनी कक्षा, कक्षा के बाद हम लिखेंगे वर्ग अर्थात जो भी आपकी कक्षा का सेक्शन रहेगा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो आप वही विद्यालय का नाम लिखेंगे जो कॉलेज आपके लिए अलॉट हुआ है टीचिंग के लिए, ठीक है। फिर बीच में आप लिखेंगे विषय, और विषय के बाद आप ब्रेकेट में मतलब लिख देंगे, जैसे कि ये हमारा जो ये टॉपिक है गीता वचन अमृतानी हमारे पद्म के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए यहाँ पर आप पद भी लिखेंगे ब्रैकेट में। और उसके बाद आप लिखेंगे अपना टॉपिक अर्थात अपना प्रकरण जो कि हमारा गीता वचन अमृतानी, ठीक है। देन उसके बाद साइड में आप लिखेंगे चक्र अर्थात जो भी आपका कालांश रहेगा प्रथमा द्वितीय तृतीय। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अवधि जो कि हमारी पंच त्रिशत मिनट अर्थात 35 मिनट की, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और इस तरीके से अपना पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। एक तरफ तो हमारी शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जितनी भी सारी हेडिंग्स रहेंगी वो रहेंगी, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे उनकी डिटेल्स, ठीक है। तो पहली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी सामान्य उद्देश्य यानी अर्थात सामान्य उद्देश्य। तो गाइस, सामान्य उद्देश्य हमारे लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हम छात्रों के समक्ष संस्कृत विषय को क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमारे जो भी उद्देश्य होते हैं उन्हें संस्कृत पढ़ाने पर, ठीक है, पढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर आप प्राइमरी लेवल पर, जूनियर लेवल पर, जिस भी लेवल पर छात्रों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो वही सारे उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट कराए हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा विशिष्ट उद्देश्य यानी अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है वो हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है, अर्थात हमने जो आज टॉपिक चूज़ किया है गीता वचन अमृतानी वो हमने क्यों चूज़ किया है, हम मतलब अगर वो कक्षा 8 में छात्रों को दिया गया है ना, तो मतलब उनके सिलेबस में वो क्यों रखा गया है, उसका मतलब उनसे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो वही सारे उद्देश्य हम यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य लिखते समय हमेशा आप ये बात ध्यान रखिए, अगर आप प्राइमरी लेवल पर बना रहे हैं पार्ट योजना तो आप उन्हें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जूनियर लेवल पर बना रहे हैं तो आपको हेडिंग्स वाइज लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। तो इनके अंदर आप चाहें तो 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल आपको हर किसी हेडिंग्स में 2-2 पॉइंट्स कराए हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी सहायक उपकरण यानी अर्थात सहायक सामग्रियाँ। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी शिक्षण विद्या या प्रविद्या। तो आज मैंने मतलब लेसन प्लान को तैयार करने में व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और पाठ्य पुस्तक विधि, ये सारी विधियाँ मैं प्रयोग में लाने वाली हूँ, इसलिए मैंने वही विधियाँ यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। तो आप जिन जिन विधियों को यूज़ में लाएँ आप वही विधियाँ लिखें, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पूर्व ज्ञानम। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं छात्र गीता विषय सामान्यता जानन्ति, अर्थात छात्र जो है वो गीता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं गाइस। तो हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हम उनके प्रीवियस नॉलेज का पता लगा सकें और हम मतलब उन्हें आज के टॉपिक से रिलेट कर सके, ठीक है। तो हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्नों के बीच क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात पहले प्रश्न के उत्तर से दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न, इसी तरीके से हमारे प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने अपना पहला प्रश्न पूछा है, द्वापर युगे का नाम ना युद्धम अवध, अर्थात द्वापर युग में जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था। तो छात्र यहाँ पर उत्तर दे देंगे इजीली कि महाभारत। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था। देन उसके बाद हम उनसे अपना नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे कि अस्य युद्धस्य का नायक आसीत, अर्थात जो महाभारत युद्ध हुआ था उस युद्ध का कौन नायक था। आप यहाँ पर अस्य की जगह महाभारतस्य का यूज़ कर लिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे महाभारतस्य युद्धस्य का नायक आसीत, महाभारत के युद्ध के नायक का क्या नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर सही तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे श्री कृष्णा। फिर नेक्स्ट हम उनसे प्रश्न पूछेंगे श्री कृष्ण कस्य सारथी आसीत, अर्थात श्री कृष्ण किसके सारथी थे। तो छात्र यहाँ पर उत्तर दे देंगे अर्जुन के सारथी थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनसे अपना फोर्थ प्रश्न पूछेंगे जो कि हमारा अर्जुन से रिलेटेड होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन कानी उपदेशानी ददति स्म, अर्थात श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, ठीक है, वो क्या था, क्या उपदेश दिया था उन्हें। ठीक है, तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहीं पर हम अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे। ठीक है, पहले तो हम अपने समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर उसके बाद अपना उद्देश्य कथन ऐड कर देंगे उसमें। जैसे कि छात्र अध्यापिका बोलेगी कि श्री कृष्णेन अर्जुनम गीतायाम उपदेशानि ददाति स्म, अद्वयम गीता वचन अमृतानि इति नामना पद खंडस्य रसवादनम करिष्यामः। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, अतः आज हम गीता वचन अमृतानि नामक पाठ के अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात तो छात्र अध्यापिका जो है छात्रों को चैप्टर रीड कराना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा जो एक्चुअल प्लान होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने चार्ट या पोस्टर कुछ भी बनाया है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप वो छात्रों को दिखा देंगे और अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये चित्र फलंग का प्रयोग किया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये रहा मेरा चित्रफलंग। तो इस तरीके से अगर आपने भी कुछ चार्ट या पोस्टर बनाए हैं तो आप वो छात्र को दिखाएंगे। ठीक है, और अपना चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आदर्श पाठम, अर्थात छात्र अध्यापिका चैप्टर का आदर्श वाचन करेगी। वो चैप्टर को पूरी लय गति और विराम चिन्ह जो भी रहेंगे उनको ध्यान में रखकर पाठ का वाचन करेगी, और छात्र अनुक्रिया हमारे ये रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो वाचन या अनुकरण पाठम, अर्थात छात्र अध्यापिका ने तो चैप्टर रीड कर दिया है, अब बारी आती है हमारे छात्रों के पढ़ने की। तो छात्र अध्यापिका को देखते हुए छात्र भी उनका अनुकरण करेंगे और वह भी चैप्टर का वाचन करेंगे और साथ ही साथ अपनी त्रुटियों में संशोधन भी करते चलेंगे। ठीक है, और बाकी बचे हुए जो छात्र होंगे वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग आती है वो रहती है काठिन्य निवारणम, अर्थात चैप्टर में जो भी कठिन शब्द आएंगे छात्र अध्यापिका उनके शब्दार्थ छात्र को बताती चलेगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है अनुवाद कथनम, अर्थात तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बताएगी और छात्र अनुग्रह यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो एक एक पद लेके जो पहले तो छात्र अध्यापिका एक पद का वाचन करेगी, फिर उसके बाद वह उसको उसका अर्थ एक्सप्लेन करेगी, फिर उसके बाद उस जो भी उसने पढ़ाया है उसमें से कुछ प्रश्न पूछेगी जिन्हें हम कहते हैं सौंदर्यात्मक अनुभूति प्रश्न। तो वह जो भी उसने पद पढ़ाया है उसमें से लेकर छात्रों से कुछ कुछ मतलब दो या तीन प्रश्न पूछेगी। तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा अनंत रूपम कस्यास्ति, तो छात्र उत्तर देंगे श्री कृष्ण से। ठीक है, फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका उनसे अपना दूसरा प्रश्न पूछेगी
जहाँ पर छात्र मौन हो जाएंगे उन्हें नहीं पता होगा, तो यही यहाँ पर छात्रों के मौन होने के बाद छात्र अध्यापिका उसका स्पष्टीकरण करेगी, ठीक है। अर्थात वह इसी स्टैंजा को, इसी पद को फिर से एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो प्रथम पदांश की व्याख्या करने के बाद छात्र अध्यापिका अब दूसरे पदांश का वाचन करेगी और उसका अनुवाद वह छात्रों को बताएगी। तो जो पदांश उसने पढ़ाया है ना छात्रों को, अब उससे संबंधित कुछ सौंदर्यात्मक अनुभूति प्रश्न उनसे पूछेगी। तो फिर से छात्र एक प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे अर्थात वह मौन हो जाएंगे। तो छात्र अध्यापिका यहाँ पर पदांश की पुनर्व्याख्या करेगी, छात्र यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। तो यह प्रक्रिया अनुवाद कथनम की ऐसी ही चलती रहेगी। तो अब हम आ जाते हैं अब डायरेक्ट अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर अर्थात शाम्पट कार्य पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा शाम्पट कार्य। अध्यापिका ने शाम्पट कार्य तो करा दिया है, अब बारी आती है उसका निरीक्षण करने की। तो छात्र अध्यापिका छात्रों को शाम्पट कार्य लिखने का आदेश देगी और स्वयं भी उनका निरीक्षण करेगी। और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र जो है वो शाम्पट पर लिखा कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो रहेगी पुनरावृत्ति प्रश्न। अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उनसे पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कुछ प्रश्नोत्तर पूछेगी जिनके छात्र उत्तर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग अर्थात लास्ट हेडिंग गृह कार्य की। अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देगी जिससे कि उन्हें आज का चैप्टर रिवाइज करने का एक मौका मिले। तो आज मैंने छात्र को कुछ संधि विच्छेद करने को दिए हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार छात्रों को कुछ भी गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लक्ष्य अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।